CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। तो आइए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वनिशाला में। बच्चों आदाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आइए आज हम आपकी दूसरी किताब, दूसरा सबक, इब्तदाई उर्दू का दूसरा सबक अच्छा लड़का शुरू करते हैं। आपको लड़के के साथ लफ्ज़ अच्छा लगा कर ये सोचते हों कि अच्छा क्यों कहा गया है, तो ये अच्छा लड़के की शनाख्त या इसके बारे में हमें पूरी जानकारी सबक को पढ़ने के बाद ही होगी। तो आइए पहले हम सबक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर मज़ीद गौर करेंगे। सड़क के किनारे एक नल लगा है, आज उसमें पानी देर से आया। बहुत से लोग बाल्टी और घड़े लिए पानी आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत भी थी, वो अपनी बाल्टी लिए खड़ी थी। जैसे ही पानी आया, आसपास खड़े लोग झपट पड़े और अपने अपने बर्तन भरने लगे। कुछ लोगों के पास कई कई घड़े और बाल्टियाँ थीं, उनको पानी भरने में काफ़ी देर लग गई। बूढ़ी औरत बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश करती लेकिन पीछे रह जाती। उसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी, वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। कासिम अपनी बाल्टी में पानी भरकर जब नल के पास से हटा तो उसने बूढ़ी औरत को देखा। उसने आगे बढ़कर अपनी बाल्टी का पानी उसकी बाल्टी में डाल दिया। बूढ़ी औरत खुश हो गई, कासिम को दुआएं दी और अपनी भरी हुई बाल्टी लेकर घर चली गई। सच है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटा सा सबक है। यह कोई कहानी नहीं है, कोई नज्म नहीं है, बल्कि यह कहानी नुमा मज़मून है, हम इसको कह सकते हैं, जिसमें एक अच्छे लड़के की खूबी बयान की गई है कि अच्छा लड़का सिर्फ वही नहीं है, ये सिर्फ कासिम ही नहीं हो सकता जो किसी बूढ़ी औरत की बाल्टी में अपनी बाल्टी का पानी डाल दे, बल्कि अच्छाई के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। इस सबक में इसी बात को बयान करने की कोशिश की गई है। यहाँ सबक को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी मशकें यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों आपने ये सबक सुना, आपके सामने किताब भी होगी तो आप किताब से भी पढ़ेंगे कि अच्छा लड़का क्यों कहा गया उसे, कि कासिम जाहिर सी बात है कि वो बूढ़ी औरत की मदद कर रहा है जो नल तक पहुंचने की कोशिश करती थी लेकिन भीड़ की वजह से पहुंच नहीं पाती थी। कासिम ने अपनी बाल्टी का पानी उस बूढ़ी औरत की बाल्टी में डाल दिया और बूढ़ी औरत खुश हो गई, कासिम को दुआएँ देने लगी और वो पानी खुशी खुशी लेकर अपने घर चली गई। इस तरह की अच्छाई बहुत सारे बच्चों में होती है, सभी में होती है। तो जाहिर सी बात है कि अच्छाई सिर्फ वो नहीं है जो हम किसी को पानी भरकर किसी की मदद कर सकते हैं, बल्कि अच्छाई के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वसाइल हमारे पास होते हैं। और हमें ये नहीं देखना चाहिए कोई हमसे कहे तभी हम किसी की मदद करें। अगर आप समझते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि वाकई फलां शख्स को कोई गरीब है उसकी भी मदद की जा सकती है, कोई बूढ़ा है या ज़यीफ है उसकी भी मदद की जा सकती है, कोई बीमार है उसकी भी मदद की जा सकती है। अगर इस सबक को हम मौजूदा पस मंज़र में देखें, जो आजकल सूरत हाल चल रही है COVID-19 से, जिस तरह लोग परेशान हाल हैं, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी इसमें बीमारी के, और जिस तरह से ये बीमारी फैलती जा रही है, लोगों को अब चंगुल में ले रखा है, जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने हिम्मत भी दिखाई है, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की है, सैनिटाइज़र सप्लाई करके, मास्क सप्लाई करके, खाना सप्लाई करके, राशन किट तकसीम करके, यानी ये काम बराबर 3-4 महीनों से चल रहा है। तो ये भी मदद का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं कि मदद सिर्फ वो नहीं है जो अपनों की जाए, बल्कि अपनों के अलावा गैरों की मदद जो की जाए, बगैर मांगे कुछ दे दिए जाए, बगैर कहे किसी के साथ भलाई कर दी जाए, तो सबसे बड़ी मदद वही होती है कि एक इंसान खुश भी होता है, उसको दुआएं भी देता है। जाहिर सी बात है कि उस बूढ़ी औरत ने कासिम से कभी नहीं कहा कि तुम अपनी बाल्टी का पानी मेरी बाल्टी में डाल दो, लेकिन कासिम को यह एहसास हुआ कि यह औरत बूढ़ी भी है और परेशान कमज़ोर भी है, इसको मदद की ज़रूरत है, कौन हम अपनी बाल्टी का पानी इसकी बाल्टी में डाल दें।
आइए अब ज़बान जो सीखने की महारतें हैं वो किस तरह से हम सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इस सबक के हवाले से तय कर सकते हैं। मैं उसमें मज़ीद और फिक्र करके उसमें महारत को और मुस्तहकम कर सकते हैं और उसमें पुख्तगी ला सकते हैं। तो जैसा कि इस सबक में सिर्फ 5 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों के जवाब दीजिए। लेकिन हमने उन 5 सवालों की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस छोटे से सबक से हमने 15-16 सवाल ऐसे और बना लिए हैं जिनकी मदद से सुनने और बोलने की महारतों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दिया जा सकता है। आइए ज़रा उन पर इन सवालों पर गौर करते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। इन सुनने और बोलने की महारतों का ख़ास मकसद ये होता है कि हम सुनने के लिए बच्चों को आमादा करें, बोलने के लिए आमादा करें, उनके तजस्सुस को बढ़ाएं, उनकी क्यूरियासिटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है और उनको जो बोलने में झिझक महसूस होती है, घबराहट महसूस करते हैं, उसको किस तरह दूर करें। तो सुनने और बोलने की महारतों से यही सब हम कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर से जो खौफ है, जो एक डर पैदा हुआ है स्कूल में आने के बाद, जो कुछ महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारा जवाब गलत हो कहीं ना हो, तो हमें उसी झिझक को दूर करना है, उसी घबराहट को दूर करना है। और जितने ही ज़्यादा ज़्यादा हम सवालात बच्चों से करेंगे, बच्चे ही उतने ही ज़्यादा जो है दिलचस्पी से उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात याद रहे कि हम बच्चों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या उनको ये ना कहें कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए उस्ताद को। तो कुछ ये 16 सवाल जो हमने बनाए हैं उसके बारे में हम इस तरह से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये हो सकता है कि नल कहाँ लगा था, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जवाब देंगे सड़क के किनारे लगा था। और दूसरा सवाल इसी को हम उलट देते हैं थोड़ा सा कि सड़क के किनारे क्या लगा था, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा आप कहेगा कि सड़क के किनारे नल लगा था। लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, पानी का इंतज़ार कर रहे थे, पानी भरने के लिए लोग क्या लाए थे। अब जाहिर सी बात है कि क्या लाए थे तो उनके पास कौन कौन से बर्तन थे, घड़े और बाल्टियों का यहाँ जिक्र हुआ है, तो जाहिर सी बात है बच्चे वो घड़े को भी पहचानेंगे, बाल्टी को पहचानेंगे, उसका जवाब देंगे, वो सबक को देखेंगे। एक बार पानी भरने के लिए बूढ़ी औरत के पास क्या था, अब फिर एक बार बच्चा सबक पे वो तस्वीर पर गौर करेगा जो उसमें तस्वीर दी हुई है, उस पर गौर करेगा बूढ़ी औरत के हाथ में क्या है, बाल्टी है या घड़ा है, तो बच्चा सही तरीके से खुद एतमादी से जवाब देगा कि बूढ़ी औरत के पास पानी भरने के लिए बाल्टी थी। लोगों के पास पानी भरने में क्यों, लोगों को पानी भरने में क्यों देर लगती थी। अब इसका जवाब भी मतन में है, मौजूद है कि कुछ लोगों के पास कई कई बाल्टी और घड़े होते थे। बूढ़ी औरत पानी क्यों नहीं भर पा रही थी, जाहिर सी बात है कि भीड़ की वजह से, जैसे ही वो करीब पहुंचती फिर दूर हो जाती थी, लोग धक्के देकर या किसी और तरीके से लोग पानी भर लेते थे और बूढ़ी औरत पानी नहीं भर पा रही थी। बूढ़ी औरत को पानी कैसे मिला, तो इसका जवाब भी आपके मतन में है, टेस्ट में है कि कासिम ने अपनी बाल्टी का पानी बूढ़ी औरत की बाल्टी में डाल दिया। बूढ़ी औरत ने कासिम को दुआएँ क्यों दी, इसका जवाब भी आप वहाँ मौजूद है कि बूढ़ी और जाहिर सी बात है कि उसको पानी मिल गया बगैर मेहनत के, वो इंतज़ार में थी लेकिन नल तक नहीं पहुंच पा रही थी। कासिम ने अपनी बाल्टी जब उसके का पानी जब बूढ़ी औरत की बाल्टी में डाल दिया तो बूढ़ी औरत खुश हो गई और कासिम को दुआएं देने लगी। अच्छा, कासिम ने अपनी बाल्टी का पानी बूढ़ी औरत की बाल्टी में क्यों डाला, यह भी एक सवाल है कि कासिम के दिल में वो कौन सा ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि नहीं हमें मदद करनी चाहिए इस औरत की, ये ज़यीफ़ औरत है, बूढ़ी औरत है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जो है, तो और फिर अगर पहुँचेगी तो बहुत देर हो जाएगी, लोग जो है इसका लोगों को इस बात का एहसास नहीं। आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कासिम जो बच्चा छोटा सा उसको इस बात का तो एहसास हुआ कि नहीं कब वो बूढ़ी औरत को पानी मिलना चाहिए, लेकिन बाकी लोग जो पानी भर रहे तो उनको इस बात का शोर नहीं हुआ, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वाकई जो लोग ज़यीफ़ हैं, जो मजबूर हैं, किसी तरह माजूर हैं, पहले उनको दे पानी भरना चाहिए, पहले उनको उनका हक मिलना चाहिए, हम तो बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये बड़े लोगों को जहन में ये बात नहीं आई, ये छोटे बच्चे के जहन में बात आई। यहाँ ये सवाल भी हो सकता है कि छोटे बच्चे से ये काम क्यों लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि हम तालीम के साथ साथ एक तरबियत का पहलू बहुत अहम है। हम आज एजुकेशन तो हो रही है लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो रही है, जबकि हमारे यहाँ तसव्वुर यह है कि तालीम और तरबियत, यानी तरबियत पर भी ज़ोर दें और तालीम पर भी ज़ोर दें, बाद में अलग से उनको कोई वैल्यू सिखाने का मौका नहीं मिलता जो है। और तालीम का मकसद ही होता है कि एक अच्छा और बेहतर इंसान बन सके या बनाया जा सके, ताकि वो जब समाज में अमली ज़िंदगी में कदम रखे तो हर चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, कहाँ क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ बचना चाहिए, कहाँ नेक काम करना चाहिए, किसके साथ किस तरह पेश आना चाहिए,
इन सारी बातों का एहसास इसमें दिलाया गया है। बहुत वाज़े तौर पे नहीं है, लेकिन बिटवीन द लाइंस अगर हम पे समाज गौर करते हैं सबक पे, तो ये सारी बातें हमें नज़र आती हैं। आखिर में एक शेर है कि हैं दुनिया में वही लोग अच्छे जान आते हैं जो काम दूसरों के। तो उस शेर की बुनियाद पर एक सवाल कायम किया गया है, दुनिया में अच्छे लोग कौन होते हैं? तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब होगा कि दुनिया में अच्छे लोग वही कहलाते हैं जो दूसरों की मदद बगैर कहे हुए कर दें, वही अच्छे हैं। अब चूंकि ये 11 सवाल ऐसे तो जो समझ, लेकिन आज के चूंकि पानी भरने का माहौल है यहाँ पर, पानी जाए बहुत बुनियादी ज़रूरत है हमारी, और ये पानी हमारे घर तक या समाज में कैसे पहुंचता है, तो अब ये एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि बच्चों का जहन और थोड़ा ब्रॉड हो जाए और उनके जहन खुल जाए, इस तरह के सवालात आगे किए गए हैं। आप उन सवालात को देखिए कि आज ज़्यादातर घरों में पानी कैसे आता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब किताब में कहीं नहीं है, इसके बारे में उस सबक में कहीं नहीं दिया गया कि कैसे आता है, लेकिन चूंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस महल्ले में, कॉलोनी में, इलाके में रहते हैं, वहाँ हमारी नज़र इस पर है, हमारे घरों में पानी कैसे आ रहा हमें पता है। तो ज़्यादातर घरों में पानी कैसे आता है इसका जवाब भी बच्चे दे सकते हैं। बच्चे अगर पूरी तरह नहीं दे सकते तो उस्ताद को मदद करनी चाहिए। क्या सभी लोग पानी भरने बाहर जाते हैं? अगला सवाल ये है। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों के अपना घरों में इंतज़ाम है, उनकी अपनी बोरिंग है, उनके अपने इलाके हैं, वो अपनी सहूलत के अतबार से पैसा खर्च के अपना इंतज़ाम कर रखा है। अगला सवाल ये भी हो सकता है कि क्या शहर और देहात में एक ही तरह से पानी हासिल होता है? तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब नहीं में है, लेकिन शहर में किस तरह हासिल होता है और देहात में किस तरह हासिल होता है, इसकी अलग अलग वजाहत उस्ताद अपने बच्चों से कर सकते हैं जो है। इसी तरह अच्छे लोगों की क्या खूबी बताई गई है, अब इसके बारे में भी जवाब दे सकते हैं। एक मिसाल हमारे सामने है कासिम की, और बहुत सारी मिसालें हमारे सामने आ सकती हैं। और चूंकि मौजूदा जो मंजरनामा है इस दुनिया का, जो पूरी दुनिया का COVID-19 की वजह से किस तरह लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, किस तरह हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, किस तरह दवाइयाँ दे रहे हैं, किस तरह उनका इलाज करा रहे हैं, इवन कि कोई अगर मर भी जाता है तो उसका जनाजा कौन लोग पहुंचा रहे हैं, कैसे लोग कब्रिस्तान तक या शमशान घाट तक ले जा रहे हैं, वो इस बात से नहीं डरते कि हमें भी जो है कोई बीमारी लग जाएगी, जबकि बीमारी बहुत सेंसिटिव है, किसी को भी लग सकती है। बहुत सारी एहतियात के बावजूद भी लोगों को बीमारी लगी, लेकिन ये भी एक फ़र्ज बनता है कि वाकई जिन लोगों की जान चली गई क्या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, कब्रिस्तान और शमशान घाट न पहुँचाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी चीज़ है कि इंसान को सारी चीज़ों के बावजूद, सारे खतरात के बावजूद, आदमी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है, पीछे नहीं होता आदमी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिसके ज़रिए से हम इस बात सुनने और बोलने की महारतों को फ़रोग दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी दी गई है कि जो तस्वीरें दी गई हैं उन तस्वीरों की मदद से भी जो है हम बच्चों को जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करा सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं और उनका जवाब तलब कर सकते हैं। फिर ये भी सवाल किया जा सकता है कि पानी भरने के लिए कितने लोग जमा थे, तो ये टेक्स्ट में कहीं नहीं है, लेकिन तस्वीर में ये चीज़ दी हुई है कि वहाँ 5 लोग थे। अच्छा, उनके पास क्या क्या चीज़ें थी, कितने घड़े थे, कितनी बाल्टियाँ थी, उनकी तादाद क्या है? तो बच्चे इसको भी देखेंगे तस्वीर को, फिर उसका जवाब देंगे। बच्चे बूढ़ी औरत को आप कैसे पहचानेंगे, ये बूढ़ी औरत है, वहाँ औरतें कितनी थी, बूढ़ी औरत को कैसे पहचानेंगे? तो जाहिर सी बात है कि बच्चे दबाव से रखते हैं, वो थोड़ा झुकी हुई है, उम्र उसकी ज़्यादा लग रही है, उसके हाथ में डंडा है और वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। इस वजह से हम इन खूबियों की बिना पर हम उसे कह सकते हैं कि बूढ़ी औरत यही है। सबसे अहम चीज़ है कि हम कासिम को कैसे पहचानेंगे, कौन, जाहिर सी बात है कि वो बच्चा है, वो नज़र आ रहा है कि तीन औरतें हैं, एक मर्द है वहाँ पर, तो उसमें एक ही लड़का है, तो उस लड़के की पहचान आसानी से की जा सकती है कि यही लड़का कासिम है। दूसरी चीज़ ये कह सकते हैं, हम रंगों के हवाले से भी बात कर सकते हैं कि कौन सा लिबास किसने पहन रखा, किस रंग का लिबास पहन रखा है, या कासिम ने किस रंग का लिबास पहन रखा है। तो हम तस्वीर को जब गौर से देखेंगे तो हमें पता चले कासिम ने जो है पीले रंग की, हल्के पीले रंग की शर्ट पहन रखी है और लाल रंग का नीकर पहन रखा है। तो इस तरह से तस्वीरों के माइन्यूट ऑब्जर्वेशन से हम बच्चों से मुख्तलिफ सवालात कर सकते हैं, उनका जवाब हासिल कर सकते हैं।
इसी तरह अगले सफ़े पर जो तस्वीर दी गई है कि बच्चा कासिम अपनी बाल्टी का पानी उस बूढ़ी औरत की बाल्टी में उंडेल रहा है, डाल रहा है पानी, और उस बूढ़ी औरत के दाएँ हाथ में एक लाठी लिए हुए खड़ी है और बाएं हाथ अपना जो है इशारे से ऐसा कर रही है उठाकर जो है जैसे उसको शाबाशी दे रही हो, उसकी तारीफ कर रही है और उसको दुआएं दे रही है। तो उसके एक्शन से भी हमें पता चलता है ये कहाँ हम किस तरह उसकी मदद कर रही है। इस तरह इस सबक में और बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी दी गई हैं जिससे हम सुनने और बोलने की महारतों को आसानी से फ़रोग दे सकते हैं। ये तो इसमें खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज चुन कर लिखिए। हमने 5 जुमले इस किताब से ले लिए हैं मतन से और उनको अलग लिख दिया है, और जाहिर सी बात है कि हमने उसमें एक लफ्ज़ निकाल के फिर जुमले को पूरा भरवाने के लिए कहा गया उसके खाली जगहों को। जैसे आज नल में पानी गैस से आया, तो जाहिर सी बात है कि मतन में जो है वो लफ्ज़ देर से, तो यहाँ लफ्ज़ जो लिखा जाएगा वो देर से, लेकिन उसका दूसरा मुतबादिल यानी अल्टरनेट जो लफ्ज़ दिया गया है, जो शब्द दिया गया वो जल्दी, यानी हमने जो 5 जुमलों में जो भी लफ्ज़ लिए गए हैं वो एंटोनिम्स लिए गए हैं, एक दूसरे के मुतजाद विलोम शब्द। पहले जुमले के लिए देर और जल्दी, दूसरे जुमले के लिए बैठी या खड़ी, तीसरे जुमले के लिए परेशान और खुश, चौथे जुमले के लिए जवान बूढ़ी, और 5वें जुमले के लिए अच्छे बुरे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें से एक ही लफ्ज़ चुनकर लिखना है, और इस अच्छे और इसमें मुतजाद लफ्ज़ों को क्यों लिया हमने, जाहिर सी बात है कि किताब का उनवा और सबक का टाइटल अच्छा लड़का है, यानी लड़का के साथ अच्छा लगा देना यह उसकी सिफत बयान हो रही है, यह एडजेक्टिव है जिसको हम सिफत कहते हैं। तो लड़के के साथ अच्छा लगा देना इसका मतलब उसके अंदर कोई खूबी है, उसी वो इसका मतलब जो अच्छा लड़का अगर नहीं है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो बुरा भी हो, यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा नहीं वो बुरा होगा, वो नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है, किसी के साथ बुराई नहीं कर रहा है। तो लेकिन अच्छे के साथ हमारा तस्वुर बुरा का आता है, छोटे के साथ बड़ा का आता है, ऊपर के साथ नीचे के भी आता है, गोरा के साथ काला लफ्ज़ हमसे देखने, मोटा है तो पतला है, आगे पीछे, तो इस तरह बहुत सारे लफ्ज़ों को बच्चे बोलते भी हैं, जानते भी हैं। इसको जो है ग्रामर या कवायद में हम मुतजाद लफ्ज़ कहते हैं, लेकिन अभी हम ग्रामर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन लफ्ज़ों को वो जानते हैं, तो इस तरह लफ्ज़ों का उनको हम शऊर करा सकते हैं कि देखिए अगर कोई मोटा है तो उसके मुखालिफ पतला भी हो सकता है, उसका मुतजाद पतला भी हो सकता है, कोई अच्छा है तो बुरा भी कोई हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि बुरा हो, लेकिन कोई दूसरा आदमी बुरा भी हो सकता है, कुछ बुराइयाँ उसके अंदर हों, छोटा है तो बड़ा भी है, गोरा के मुकाबले काला भी है। तो ये ऐसे लफ्ज़ों को लेकर हम बहुत सारे उसके ज़खीरे अल्फाज यानी वोकैबुलरी में इजाफा भी कर सकते हैं, उनको लिखवा भी सकते हैं, उसको याद भी करा सकते हैं। तो इस तरह से जो है खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखने के लिए कहा गया है। इसी तरह मिसाल देख कर नीचे दिए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए, यानी घड़ा है तो घड़े लिखिए। तो एक मिसाल तो यह दे दी कि घड़ा है तो घड़े है, अब कपड़ा, अंडा, मुर्गा, लड़का, पौधा, जूता, इन लफ्ज़ों को जब हम मिसाल के तौर पर जैसे मिसाल दी हुई है तो उसके हिसाब से जब हम बदल कर लिखेंगे तो कपड़ा का कपड़े होगा, अंडा का अंडे होगा, मुर्गा का मुर्गे होगा, लड़का का लड़के, पौधा का पौधे और जूता का जूते। लेकिन आम तौर पे जब लड़का वाहिद है तो कभी कभी लड़के प्लूरल भी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे हमने कह दिया कि कासिम या हामिद या कोई भी लड़का बहुत अच्छा है, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, कासिम एक बहुत अच्छा लड़का है, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इसी लड़के को हम प्लूरल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वहाँ क्रिकेट का खेल हो रहा था और वहाँ बहुत सारे लड़के जमा थे, एक ही लफ्ज़ को हमने वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल कर लिया और जमा के तौर पर भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये आगे चलकर हम इसको सीखेंगे किस तरह से ये लफ्ज़ बदल जाते हैं, कहाँ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, कहाँ सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये सिर्फ जो हमारा टेस्ट होगा, जो मतन हम पढ़ेंगे उसके जुमलों को पढ़ के अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ के ये लड़के पढ़ना है या लड़का पढ़ना है किस तरह से। में इसी तरह अगली एक्सरसाइज देखिए, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखिए। बहुत सारी तस्वीरें दी गई हैं, क्योंकि ये सबक पानी से मुतल्लिक है, तो इसी तरह उन पानी से मुतल्लिक क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तो टंकी दिखला दी गई है, बाल्टी है, घड़ा है, सुराही है, जग है, इसमें हम बोतल भी शामिल कर सकते हैं, गिलास भी शामिल कर सकते हैं, या और ऐसा कोई बर्तन शामिल कर सकते हैं जहाँ जिसका ताल्लुक पानी से हो। तो इन सारी तस्वीरों को देखकर हमें वो लफ्ज़ लिखना है,
अगर नीचे सामने यहाँ नल है तो नल लिखना है या टंकी लिखनी है। इसी तरह बाल्टी की तस्वीर देख के हमें वो बाल्टी लफ्ज लिखना है, और ताकि ये पता चल सके कि हम उस तस्वीर को देखकर लफ्ज को पहचानते हैं और लफ्ज सही तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह घड़ा है, सुराही है, जग है, और इस तरह और बहुत सारी है। तो पांच चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, उन लफ्ज़ों उन चीज़ों के तस्वीरों को भी मदद से भी हम वो लफ्ज़ लिख सकते हैं। अब सोचिए और बताइए, अभी तो ये था कि वहाँ पर सवालों के जवाब दीजिए, अब सोचिए और बताइए कि नल के अलावा पानी पीने का पानी हमें और कहाँ कहाँ से मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि ये बच्चे इस पर गौर करेंगे कहाँ कहाँ से मिलता है। तो पानी बिसलरी का ज़माना है, वारा पानी बोतलों में सप्लाई हो रहा है, हम पानी मंगा भी सकते हैं, बोतल ख़रीद भी सकते हैं, कुआँ भी है, नल भी है। अब कुआँ तो नहीं रह गया, बहुत कम रह गए हैं, मुझे देहातों में कहीं कहीं होंगे, लेकिन नल के अलावा पीने का पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इस पर ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। उस्ताद उनकी मदद करेंगे और बच्चों से सवाल जो सवाल किया गया है उसमें खुद उठकर जवाब देने के लिए उनकी मदद करेंगे। और इसका दूसरा अहम सवाल ये कि हम दूसरों की मदद किस किस तरह कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे तरीके हैं, एवं उनसे लिखवाया जा सकता है। एक तरीका तो कासिम ने आपको बता ही दिया है कि इस तरह से मदद हो सकती है। दूसरा तरीका जो है आपके जहन में क्या है, हर बच्चों से ये भी कहा जा सकता है कि एक एक तरीका हर बच्चा लिखे। अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें 40 तरीके मालूम हो सकते हैं, हम उस्ताद की मदद से भी अपनी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइज है कि मिसाल देकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में वाव और नुनगुन्ना मिलाकर लिखिए। कोई भी लफ्ज़ होता है, बाद लफ्ज़ों की जमा में वाहिद भी लिखा जाता है, उसकी जमा भी होती है यानी सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी। जैसे एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, सड़क और सड़कों। तो इसी तरह बाबा पाँच अल्फाज और दिए गए हैं, नल, औरत, बर्तन, घर, लोग। नल से हम जब लिखेंगे तो वाव नुनगुन्ना मिलाने के लिए कहा गया है, तो नल से नलों होगा, औरत से औरतों लिख देंगे, बर्तन से बर्तनों, घर से घरों, और लोगों लोग से लोगों। तो इस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी मदद एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपनी लिखने और पढ़ने की मशक बराबर करते जा रहे हैं और हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। अब फिर वही आता है कि हर सबक के आखिर में एक एक्सरसाइज दी गई, खुशखत लिखिए। इसलिए कि अच्छी तहरीर जो है ख़ुद हमारी पर्सनालिटी का पता चलता है कि अगर हमारी तहरीर अच्छी नहीं, मालूमात हमारी कितनी भी अच्छी हो, अगर तहरीर हमारी कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता या हम जो कुछ लिखते हैं एग्जामिनर यानी मुमतहिन उसको नहीं पढ़ सकता है, तो इसके वजह से इम्तिहान में हमारा नंबर भी कम आ सकता है और हमारी पूरी कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है, इम्प्रेशन भी ख़राब हो सकता है। तो खुशखत लिखने के लिए बार बार ये कहा जाता है, और हम अपने पांच अल्फाज यहाँ भी ऐसे निकाल लिए जो शायद पहली बार इस्तेमाल हुए हैं या जो ज़रा मुश्किल लग रहे हैं, तो उनको निकाल कर उन लफ्ज़ों को लिखने के लिए कहा गया है, ताकि उन लफ्ज़ों को हम बार बार लिखेंगे तो हमारे लिखने की मशक हो जाएगी, उनका इमला हमको दुरुस्त हो जाएगा सही, और किस तरह से हरूफ को मिला के लफ्ज़ बनाए गए हमें यह भी मालूम हो जाएगा। तो ऐसे पांच अल्फाज लिए गए हैं, सड़क, झपट, पीछे, कासिम, दुआएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा सबक जिस तरह से हमने देखा कि एक अच्छा लड़का शुरू हुआ था, उसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की बहुत सारी गुंजाइश है, उन मशकों के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और इसमें आखिर में ये भी कहा गया कि बच्चों को आपस में अपने तजुर्बे शेयर करें। आखिरी सवाल यह कि दूसरों की मदद के बारे में अगर आपको कोई कहानी याद हो तो अपने साथियों को सुनाइए। तो जाहिर सी बात है कि हर बच्चों का अपना कोई ना कोई तजुर्बा होता है, हर बच्चे अपने दादा दादी से, नाना नानी से या घर में जो भी हो कुछ ना कुछ कहानियाँ वो सुनते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी कहानी है, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे बच्चे एक दूसरे के शेयर जो कर रहे हैं तो अपने तजुर्बात आपस में मिलते जुलते हों, लेकिन हमें उन तजुर्बात को शेयर करना चाहिए ताकि बच्चों की जो झिझक है वो ख़त्म हो, उनकी मालूमात एक दूसरे के सामने आए और हम एक दूसरे से सीखें। ग्रुप लर्निंग इन ग्रुप्स यानी आपस में मिलजुल कर सीखना वो सबसे अहम होता है। इस सबक के आखिर में एक लफ्ज़ आया है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है हमदर्दी, उस नज़्म का ये एक शेर है आखिर में शायद उसमें है, तो उसमें उन्होंने ये बात कर दी है कि कौन लोग दुनिया में अच्छे कहलाते हैं। जाहिर बात है जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम होते हैं, वही लोग अच्छे होते हैं।
तो इस शेर की मदद से भी देखिए, तो एक शेर है ये, लेकिन अगर इसी को हम नसर में लिख दें, यानी उन्हीं लफ्ज़ों की तरतीब थोड़ा बदल दें, तो ये नसर में हो जाती है। शेर आपने सुना, शेर एक बार फिर हम पढ़ते हैं। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अगर अब हम इसको प्रोज में करना चाहें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जहाँ में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। आप इस पर गौर करेंगे कि हम इसमें ने कोई भी दरुस्त लफ्ज़ हमने बढ़ाया है ना निकाला है, बल्कि लफ्ज़ों की तरतीब बदल दी है और दो लाइनों को मिलाकर एक जुमला बना दिया गया है और बोलने में भी हमें आसानी हो गई है। इसी तरह इस जुमले को इस तरह भी लिखा और पढ़ा जा सकता है कि वही लोग अच्छे हैं जो जहाँ में दूसरों के काम आते हैं। यहाँ भी हमने कोई लफ्ज़ नहीं बढ़ाया है ना कोई कम किया है, बल्कि वही चीज़ उन्हीं चीज़ों को हमने उसी तरह लिख दिया आगे पीछे करके। तो हमने ये देखा कि एक शेर को जब हम नसर में लिखते हैं तो उसकी नसर हमारे सामने दो तरीके से आती है। पहला तरीका तो ये है कि जहाँ में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। दूसरे तरीके में हमने देखा कि वही लोग अच्छे हैं जो जहाँ में दूसरों के काम आते हैं। आइए इसमें एक लफ्ज़ आया है जहाँ, इस पर भी ज़रा गौर करते हैं, क्योंकि हमें यह भी गौर करना है कि कोई लफ्ज़ में एक ही लफ्ज़ के कितने माने हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह हो सकता है। इस शहर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जहाँ के, यहाँ दो मतलब हैं। एक तो जहाँ का मतलब दुनिया भी है और जहाँ से मुराद जगह या मकाम भी है। ऐसे अल्लामा इकबाल की नज़्म है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। तो यहाँ जहाँ जो मुराद इस्तेमाल हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, पूरी कायनात के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो जहाँ तो एक या जो सही लफ्ज़ जहान है, लेकिन जब शायरी में उसको इस्तेमाल किया गया तो वो जहाँ हो गया, नून गुन्ना भी इस्तेमाल कर लिएगा, उसका नुक्ता निकाल दिएगा तो वो नून गुन्ना है। लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अब इसी लफ्ज़ को हम जगह या मुकाम के बारे में जब हम कहेंगे तो हमारा जुमला इस तरह हो सकता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हवा ना हो। तो आपने देखा कि पहले जुमले में जहाँ का मतलब दुनिया लिया गया था, और दूसरे जुमले में आप देखिए कि उसी जहाँ का मतलब जगह या मुकाम से मानने में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हवा ना हो। यहाँ दूसरा इस तरह भी कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ हमें पाओगे, जहाँ जहाँ जाओगे हमें पाओगे। तो एक ही लफ्ज़ किस तरह या दो तरह तीन तरह से जो और भी माने में इस्तेमाल होता है, जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस ऊँची क्लासेस में हमारा मियार बढ़ता जाएगा, हम ज़बान को बेहतर से बेहतर तरीके सीखते जाएंगे और लफ्ज़ों के सही इस्तेमाल से भी वाकिफ़ होते जाएंगे कि कौन सा लफ्ज़ किस जगह क्या माने दे रहा है। ज़बान की यही सबसे बड़ी खूबी होती है, अदब की सबसे बड़ी खूबी होती है कि जब हम ज़बान के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो ज़बान सिर्फ वो नहीं है, लफ्ज़ सिर्फ वो नहीं है जो लगत में है या डिक्शनरी में है। जब डिक्शनरी से निकल कर किसी शायर के हाथ में लफ्ज़ जाता है तो वो लफ्ज़ अपनी मानवीयत की और बेहतर हो जाती है और अच्छे तरीके से उस पर बात की जा सकती है। तो बच्चों, आपने देखा कि अच्छा लड़का के हवाले से ना सिर्फ एक अच्छी बात की गई है, बल्कि इस सबक के हवाले से हम किस तरह से सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की महारतों को फ़रोग दे सकते हैं। किताब में बहुत सारी मशकें इस तरह की दी गई हैं जिनसे आप उन मशकों को करके अपनी लिसानी महारतों को फ़रोग दे सकते हैं, और इसके अलावा किताब के अलावा भी आप अपने तौर से कुछ मशकें खुद सोच सकते हैं और ख़ुद उन पर अमल करके अपनी इस्तेदाद में इजाफा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यचर्या पर आधारित ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वन्यंकन शानू मुक्सीम और विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।